ईमानदारी को इनाम दो, छुपकर नहीं सरेआम दो, स्वच्छ छवि वाले को पंचायत की कमान दो। और उसी ईमान की खातिर आज जटोली गांव की सरदारी ने इस व्यक्ति को यानी कि सरपंच को यहां की कमान सौंपी है। ये वो सरपंच है जिसके लिए युवा दिन रात एक करके सड़कों पर उतर के मेहनत करते रहे। ये वो सरपंच है जिसके लिए बुजुर्गों ने हुक्के की गड़गड़ाहट पर लोगों को संगठित करने का काम किया। ये वो सरपंच है जिसके लिए पहली बार महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने प्रचार प्रसार में जुटी रहीं। ये वो सरपंच है जिसके लिए छोटे छोटे बच्चे हाथों में झंडा और पर्चा लेकर गलियों गलियों में घूमकर देवो सरपंच जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। क्यों? ये वो सरपंच इसलिए है क्योंकि इसने एक ईमानदारी यहाँ पर पैदा की। जटोली गांव के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए हमेशा से ईमानदारी के साथ जटोली गांव में काम किया। और इसी वजह से ही इस साल भी यानी कि इस योजना में भी देव सरपंच को यहाँ की सरदारी ने ताज पहनाया। और आप देख रहे हैं कि बाल्मीकि समाज जटोली गांव का है जो कि इनका आज यहाँ पर सम्मान समारोह कर रहा है। इनके पगड़ी पहनाकर, नोटों की माला पहनाकर, फूल मालाएं पहनाकर और यहाँ की जितनी भी सरदारी है सबको मालाएं पहनाकर यहाँ पर उन्होंने सम्मान किया है। बहुत कम ऐसे सरपंच होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इतना भरपूर प्यार एक गांव के अंदर मिलता है। लगभग 3000 की आबादी वाला ये गांव है और पूरे गांव का एक अटूट विश्वास इनके ऊपर रहा, इसलिए इनको दोबारा से गांव की कमान सौंपी है। गांव में एक छोटी सरकार बनाने का काम किया है। और यहां पर बाल्मीकि समाज के लोग भी खड़े हैं और सरपंच साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले भाई साहब, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुखवीर है जी। सुखवीर जी, दोबारा से फिर से देवो सरपंच पर विश्वास क्यों जताया? देवो सरपंच हमारे गांव का इतना एक गौरवशाली व्यक्ति है, इतना विकास किया है, इतना अटूट प्यार देता है समाज को, हर समाज को, और इतना टाइम देता है कि 24 घंटे अवेलेबल समाज के लिए समर्पित है अगला। और इतना विकास किया है जो अभी पिछली जो 5-7 साल जो स्वयं रहे हैं सरपंच, अब उनकी पत्नी है फिलहाल, तो इतना विकास किया है कि गंगा बह रहा। हाँ, क्या अब की बार दोबारा आप चुने हैं तो अब इस योजना में क्या अपेक्षाएं हैं आपकी इनसे? इसमें हमारी जो हमारे समाज की और गांव की भी, जैसे हमारे गांव में CCTV कैमरा हैं जी, वो लगवाने की भी इच्छा है जी। सरपंच साहब की भी जो ऐसी सोच है जी, और साफ सफाई का विशेष और ज़्यादा ध्यान रखना है, रहा है और ज़्यादा रखवाना है जी। और बाकी तो सरपंच साहब इतने एक्सपर्ट हैं खुद कि किसी भी समाज को उनके सामने रखने की, अपनी बात को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इतने एक्सपर्ट हैं कि हर आदमी को मतलब अपना बिल्कुल दिल के करीब मानते हैं और बहुत काफ़ी प्यार देते हैं और हर बात आदमी की बात को मानते हैं, हर समाज की। एक्सपर्ट हैं इसलिए ही दोबारा चुने गए हैं। बात बिल्कुल आपने सही कही कि बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। आप युवा हैं, क्या आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस जीत को देखते हैं? इस जीत को हमने बहुत अच्छी तरीका से देखा, बहुत दिल की गहराइयों से, और हम भाई को धन्यवाद करते हैं। बस्ती माता को हम बाल्मीकि समाज की तरफ से धन्यवाद करते हैं। भाई ने, बड़े वाले ने सभी बातें बोल दी हैं। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो पानी की लेन है ना हमारी, ये हमारी रिक्वेस्ट है सरपंच साहब से, विनती है कि ये घर घर में पहुंचनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। सरपंच साहब जीत कर आए हैं, लोगों ने बहुत भव्य स्वागत आपका किया है और जगह जगह पर आपका स्वागत हो रहा है। इनकी भी कुछ अपेक्षाएं आपसे हैं, दोबारा से आपका चयन हुआ है तो कैसे इन लोगों की समस्याएं दूर? पहले तो मैं बाल्मीकि समाज का हार्दिक धन्यवाद, दिल से हार्दिक धन्यवाद करना हूँ। मेरे जो यहाँ ने मान सम्मान किया है, दिल से हार्दिक सम्मान कर, और जो भी इनकी इच्छाएं ना वे सारी ही पूरी होंगी। जी 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 जी, बाबू जी आपका नाम बताएं। मेरा नाम श्रीपाल है जी। किस तरह से देखते हैं इस जीत को? हाँ, जीत को हम बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं, अच्छे प्यार से, और हमारा अब की बार भी मौका लगा है सरपंच को जिताने का, और बस्ती ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया है और उनको जिता करके यहाँ तक ले आए। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और बड़े अच्छे उच्च विचार हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के, और छोटी छोटी समस्याएं हैं क्योंकि काम तो पहले भी पूरे हो चुके हैं, और जो भी छोटी छोटी काम हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनको इस योजना में दूर कर लिया जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा एक समाज यहाँ पर है, छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब यहाँ पर हैं और सबका भरपूर प्यार अब की बार देवो सरपंच को मिला। और देखते हैं कि इस बार वो लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। और इस बार जो उन्होंने अपने काम किए थे पिछली योजना में, और इस बार जो काम करेंगे उससे ये तो लगता है कि इन्होंने अगले 5 साल फिर से बुक कर दिए हैं मोदी जी की तरह। तो बाबू जी, आपका शुभ नाम?
नाम जवाहर सिंह है जी। कैसा लग रहा है आपको, बच्चा फिर से जीत गया है? नहीं नहीं कोई बात नहीं जी, आप बताइए। अरे भाई साहब, आपने तो बड़ी मेहनत की है, वैसे भी पूरे चुनाव प्रचार में बिल्कुल तन मन धन से पूरे युवाओं को संगठित करके आपने प्रचार किया है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं दिल सी गहराइयों से इस बस्ती माता का धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे बड़े भैया को इतना प्यार मान सम्मान और इतना विश्वास जीत दिए, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बस्ती माता का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने क्या, सभी भाइयों ने मिलके दिल से पूरी कोशिश पूरी ताकत झोंक दी है इस इलेक्शन में, और भैया से हम यही कहते हैं कि किसी भी भाई का दिल ना दुखे, किसी भी भाई का कोई काम जो भी है, पहले भी 24 घंटे हाजिर रहते थे, आज भी ये 24 घंटे ही हाजिर रहेंगे हर किसी के लिए, किसी को भी मतलब इनकी ओर से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। ये युवाओं का भरोसा ही है जिसकी वजह से आज ये इस बात को कह पा रहे हैं, और अपने बीच से ही एक युवा को इन्होंने सरपंच बनाया है। अब्बू जी भी हमारे साथ हैं, अब्बू जी साफा बंध गया अब तो? अरे साफा का है, ये सिर्फ गांव बस्ती का प्यार है, जो जिन्होंने मेरे बड़े भाई को दोबारा इस कुर्सी लायक समझा और जो बस्ती माता ने प्यार दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बढ़िया भाई जी, ये हमारे वैज्ञानिक हमारे साथ में एक जटोली गांव के बड़े अच्छे, आप यहां के इस गांव से निकल के एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं, आप वैज्ञानिक हैं यानी कि साइंटिस्ट हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि एक शिक्षित हैं और बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, तो बहुत सारी इनको नॉलेज है, देश दुनिया की भी जानकारी है। सर वैसे तो पॉलिटिक्स से आपका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप शिक्षित हैं, चीज़ों को समझते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, तो क्या आज इस जीत के बारे में कहना चाहेंगे और क्या इनसे अपेक्षाएं आपकी रहेंगी? बड़े भाई साहब जीते हैं, बहुत बहुत मुबारक है इनको जी। इनका व्यवहार और इनका जो प्रेम है उसी की वजह से जीत पाए हैं, सारे गांव का प्यार इन्हें मिला है और इनसे अपेक्षा रहेगी कि जितना उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, जैसे प्यार से रहते आए हैं वैसे ही रहते हैं। थोड़ा सा आप अपना परिचय और दें। मेरा नाम डॉक्टर रविंदर सिंह है और मैं यहीं इसी गाँव से हूँ और मैं हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में वैज्ञानिक के पद पर हूँ। बहुत सुंदर, बिल्कुल अब तो वैज्ञानिक साहब ने भी कह दिया है क्योंकि अपने व्यवहार और विकास की वजह से ही आज इनको सरपंच बनाया है, और अगले 5 साल मैंने जैसे पहले भी कहा कि इन्होंने फिर से बुक करा लिया, मुझे लगता है सारा समाज भी यही बात कहेगा, तो अगली बार भी ये सरपंच यहाँ से बनेंगे। और बाबू जी आप अपना नाम बताएं। चंद्रमान जी आज आपके बीच में आपका बच्चा जीत के आया है और सबका पूरा सम्मान हुआ है, क्या कहें? ये ऐसा जी बस्ती में बड़ी खुशी की बात है जो दोबारा सरपंच बन के आए हैं, और पहले भी 5 साल योजना सरपंच करी थी तब भी तन बंदे काम किया था, रात दिन एक किया था जी, तब बस्ती को भैया को अच्छा लगा तो दोबारा चुन के लाए हैं, तो अब भी मतलब बड़ी खुशी की बात है, 5 साल और कटेंगे, अब बाद भी भाइयों ने समाज में मतलब मान सम्मान किया, सभी को मान सम्मान किया है, तो बड़ी सी खुशी की बात है जी। जी मास्टर जी आप कहाँ छुपे छुपे घूम रहे, बताओ ना, नहीं जी आप क्या कहना? मेरा नाम सत्यवीर मास्टर जी है, आपकी समाज में आए हैं जी, तो हमारे यहाँ पर जो भाई साहब हैं देवो सरपंच साहब हैं, इनका रात दिन इन्होंने इतनी मेहनत की, किसी को भी अगर पेट में भी दर्द हो गया ना फोन कर दिया तुरंत ही चले आते थे जी, और हमारे लिए तो बहुत ये सारी टहल और नई चौपार बनने के बावजूद भी नई चौपार बनवाई है। अच्छा। इनका काम जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है, और उसमें रहते अगर कोई किसी के पेट में दर्द है ना तो रात के ही भागो चलो जाएगा भैया दर्द कैसे बन गो, तो इसलिए बस्ती ने पूरा सहयोग करके इनको सरपंच बनाया, बड़ी खुशी है हमें और ये सारी साहब बातें आपके सामने। जय लोग अपने सरपंच पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो उस तरह का काम भी करते हैं, चाहे रात हो दिन हो किसी भी चीज़ की गांव के लोगों को ज़रूरत हो उस ज़रूरत को पूरा करते हैं, थाने चौकी की कभी शक्ल नहीं देखने देते, कोई भी किसी भी तरह का इस तरह का मुद्दा होता है, कोई थाने चौकी का मुद्दा आता है उसको अपने पंचायत के माध्यम से ही अपने गाँव में ही अपने गृह क्षेत्र में ही उस चीज़ को सुलझा लिया जाता है और उसको वहीं पर दबा दिया जाता है ताकि आगे कहीं उनको ना जाना पड़े। इसी तरह से हमने आपको इस पूरी पंचायत चुनाव के दौरान बहुत सारी तस्वीरें दिखाई, बहुत सारी चीज़ें करी, तो आगे भी हम इस तरह से मिलते रहेंगे और आपको दिखाएंगे। ऐसा है यहाँ ज़्यादातर नौजवान हैं, बुजुर्ग तो कम ही हैं, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ एक ये वाल्मीकि समाज हमारे गांव का, इस परिवार ने 28 साल इनके दादाजी ने जो सरपंची करी
माइक ऊपर कर लो। सरपंची करी जब ही से इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, कभी इस परिवार से अलग नहीं गया जो है, और ये परिवार भी इन वाल्मीकियों को पहले से बिहार शादियों में हर तरह से पूरा सहयोग और मदद करता रहा है। और आज इन्होंने जो आए हुए समाज का मान सम्मान किया है, मैं इनके लिए वाल्मीकियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो है। यानी और सरपंच साहब से हिदायत करता हूं, एक वाल्मीकि नहीं गरीब आदमी को, आप गरीबों के मसीहा हो, सभी का जो है दुख सुख में सब में सहयोग करना है, ध्यान रखना है, और जो भी कोई परेशानी है इनकी जो है दूर करनी है, सबसे पहले इनका ध्यान रखना है जो है। जय हिंद।